हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट की जानकारी आज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रकाशित की गई है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इस न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरी जानकारी और पूरी अपडेट आप लोगों को मिल सके कि बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और इसमें कितने स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है, इसकी जानकारी आप लोगों को पूरी मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रत्येक स्टूडेंट को इसकी जानकारी हो सके। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस न्यूज़पेपर के माध्यम से पहले हमने आप लोगों को जो भी बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित सारी जानकारी अपडेट किया है वह वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वह वीडियो भी देख सकते हैं। इससे पहले हमने आप लोगों को 4 दिन पहले न्यूज़ अपडेट किया था और वह न्यूज़ सारी जानकारी जो हमने आप लोगों को दिया था वह 100% सही जानकारी दिया था, जो इस न्यूज़ पेपर के माध्यम से भी आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सकती है। यानी बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा का रिजल्ट सितंबर में घोषित किया जाएगा। यानी वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड के 902 पदों के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम सितंबर में आएगा। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती रिजल्ट को अंतिम रूप देने में जुट गया है। यानी दोस्तों उस न्यूज़ में भी आप लोगों को हमने जानकारी दिया था कि बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का कॉपी जो ओमार सीट है वह चेक हो रहा है और काफ़ी स्टूडेंट ने हमारे उस बात को इग्नोर किया था। लेकिन आप लोग देख सकते हैं आज हिंदुस्तान न्यूज़ पेपर में जो बताया जा रहा है कि इसमें अंतिम रूप देने में जुटा है, यानी उसका ओमार सीट चेक किया जा रहा है। संभावना है कि सितंबर के पहले सप्ताह में सफल अभ्यर्थी का सूची जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों उस न्यूज़ में भी आप लोगों को बताया था कि सितंबर में आप लोगों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा और इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि सितंबर के पहले सप्ताह में ही आपका बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। शारीरिक परीक्षा के बाद अंतिम रूप में चयनित अभ्यर्थी को पर्यावरण एवं वन विभाग के अधीन तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षा होगी, दौड़ कूद नहीं होगी। शारीरिक जांच में खरा उतरने वाले को पैदल चलना होगा। पुरुषों को जहां 4 घंटे में 25 किलोमीटर वहीं महिलाओं को इसी सीमा में 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा। 3.11 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी ने बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में एडमिट कार्ड जारी किया गया था, लेकिन इतने स्टूडेंट वहाँ उपस्थित नहीं हो पाए थे। वनरक्षी के लिए 16 जून को राज्य के 530 सेंटरों पर लिखित परीक्षा हुई थी। परीक्षा के लिए 3,11,425 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था। चूँकि अभ्यर्थी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है लिहाजा रिजल्ट में थोड़ा वक्त लग रहा है। यानी दोस्तों बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित इससे पहले भी हमने आप लोगों को सारी जानकारी जो दिया था वह 100% सही जानकारी था। तो दोस्तों बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड की सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी कि रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और इसमें कितने स्टूडेंट थे, और बाकी की जानकारी हमने आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों आप लोग वहाँ भी जाकर पूरी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को बिहार पुलिस से संबंधित सारी जानकारी अब आप लोगों को मिल सके। दोस्तों थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।